प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, और साथ में एक फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का एक्स बराबर माइनस दो पर परीक्षण करना है कि संतत है या अवकलनीय है एक्स बराबर माइनस दो पर। बच्चों ये पूछा गया, वैसे एक्स बराबर दो पर आता है, एक्स बराबर माइनस दो पर आया तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और इसके अवकलनीयता चेक कर लेते हैं। बच्चों कंटिन्यूटी और अवकलनीयता, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, संतत्ता चेक करना चाहते हैं, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका बच्चों राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट द गिवन पॉइंट आपका इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फंक्शन है। बच्चों आई होप समझ रहे होंगे आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों निकालते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ इस पॉइंट पे बच्चों एफ ऑफ माइनस टू माइनस एच। ओके बच्चे फिर देखिए बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच। हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे उसके और राइट जाएंगे, और फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू यहाँ पर फंक्शन बच्चों ये पुट कर देंगे। ये बच्चों आपको फंक्शन में ही पुट करना है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो फंक्शन में रखिए बच्चों यहाँ पर एक्स के प्लेस पे ही रखना है, तो माइनस टू माइनस एच और प्लस क्या बच्चों एच प्लस क्या बच्चों ये देखिए टू दिया गया है। इधर आ जाए बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो रखते हैं बच्चों फंक्शन में, माइनस टू प्लस एच और साथ में क्या लिखा बच्चों प्लस का टू, और ये बच्चों क्या हो गया जीरो। अब बच्चों देखिए टू से टू कैंसिल आउट होगा, एच बचेगा मॉड के अंदर और एच अप्लाई कर देंगे जीरो, बच्चों क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा जीरो। तो हाँ बच्चों एक्स बराबर माइनस दो पर, एक्स बराबर माइनस दो पर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू एक संतत फलन है। कैसा बच्चों ये संतत है। अब चेक करते हैं बच्चों इसकी अवकलनीयता, तो बच्चों एक्स बराबर माइनस दो पर ये फलन संतत आ चुका है। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंसिबिलिटी की, इसकी अवकलनीयता की, तो बच्चों इसकी शर्त क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखिए वेरी गुड, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ दिस फंक्शन बच्चों ले रहे हैं हम लोग माइनस टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस टू ओवर बच्चों यहाँ पर माइनस एच लेंगे, क्या लेंगे बच्चों माइनस एच लेंगे। यहाँ देखिए बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच लेंगे बच्चों यहाँ पर माइनस एफ ऑफ माइनस टू, और अपान में बच्चों क्या प्लस एच लेंगे या एच लेंगे, यहाँ पर माइनस एच लेंगे, जो यहाँ पर माइनस ये लेंगे यहाँ प्लस लेंगे। बच्चों रखते हैं फंक्शन फिर से जा करके, तो बच्चों ध्यान दीजिए लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ बच्चों, तो माइनस टू माइनस एच प्लस टू, देखिए बच्चों माइनस टू माइनस एच प्लस टू, और फंक्शन एट द माइनस टू पे क्या आ जाएगा बच्चों आपको पता जीरो मिलने वाला है। यहाँ क्या बच्चों माइनस एच, यहाँ देखिए बच्चों लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस टू प्लस एच, देखिए माइनस टू प्लस एच और क्या बच्चों प्लस का टू, और माइनस बच्चों क्या मिल जाएगा ये जीरो मिल जाएगा, अपॉन में क्या बच्चों एच। बच्चों ध्यान दीजिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना बचेगा देखिए बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो मॉड कर देंगे माइनस में, तो मॉड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव कर देगा, एच अपॉन माइनस एच मिल जाएगा। बच्चों यहाँ क्या मिल जाएगा देखिए, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू जीरो ये कितना मिल जाएगा बच्चों मॉड एच यानी प्लस का एच अपॉन एच मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब कैंसिल कर देंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ क्या मिल रहा है आपको माइनस वन, और यहाँ क्या मिल रहा है वन, तो क्या बच्चों माइनस वन वन के इक्वल होता है, जी नहीं बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः ये फंक्शन जो आपका दिया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू एक्स बराबर माइनस दो पर संतत है, परंतु एक्स बराबर माइनस दो पर ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।